goodness, the Kerala story completes 275 crores gross worldwide collection. जी हाँ, ये है आज की breaking news. आज है day number 25 of the Kerala story. और कल की day number 24 की क्या collections आई हैं? आज की predictions क्या हैं? और finally ये 275 crores का आंकड़ा जो है, ये किस दिन पर cross हुआ है? साथ साथ में overseas में क्या चल रहा है? सब कुछ अपडेट होकर आ चुका है. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस ऐतिहासिक रन की, जो कि केरला स्टोरी का कह सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ. बहुत कम आज के टाइम में ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह के वर्ड ऑफ माउथ से, ऑर्गेनिक ग्रोथ से जो है इतना बड़ा नंबर क्रॉस करती है. लास्ट ईयर ऐसी बहुत सारी मूवीज आई थी जो अपने दम पर आगे बढ़ी थी, जिसमें हमारे पास कन्नड़ा मूवीज बहुत सारी थी, साउथ की और लैंग्वेजेस में बहुत सारी मूवीज थी. लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो 2023 में आई है, और 2023 की उन ऐसी फिल्मों में से है जो पूरी की पूरी अब तक की रिलीज लिस्ट में से, हिंदी फिल्मों की लिस्ट में से ये दूसरी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है साल की. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. और यही नहीं, जैसे मैंने कहा 275 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा यहां तक एक फिल्म को लेके आना जिसका बजट सिर्फ 15 से 20 करोड़ था, या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी अगर मैं बोलूँ 25 करोड़, 25 करोड़ तक का भी अगर बजट था, तो बस यहाँ से और यहाँ पर कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. और अभी तो गाड़ी चल रही है, अभी तो ये 300 करोड़ तक पहुँचती हुई मुझे नज़र आती है, बशर्ते अब ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते ये फिल्म सस्टेन कर जाए बस. ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम डे नंबर 24 के फाइनल नंबर की. देखो, मैंने कल आपसे रात की प्रेडिक्शन के मामले में कहा था कि मैं 30-32% का एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी हूँ, लेकिन उसके उलट जो है, जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी कम आई थी, एज पर माय एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम आई थी नाइट की ऑक्यूपेंसी, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेड नंबर था 5 करोड़ का, अभी गाड़ी वहाँ पर नहीं पहुँची. लेकिन फिर भी मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पर भी है इस वक्त जितना भी कलेक्शन आ चुका है ये बोनस है बहुत बड़ा. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पब्लिक, जनता जनार्दन जो है वो आगे बढ़ा रही है. तो अभी इस हफ्ते और सस्टेन कर जाती है तो अगले वीकेंड पर बहुत बड़ा अचीवमेंट, जिसको मैं कहती हूँ 300 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड पहुँचने की पूरी 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 उम्मीद है हमारे को. ठीक है, सो डे नंबर 24 की ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात करते हैं हम पहले, जिसमें मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 15% की थी, आफ्टरनून 28% पहुंच गई, और इवनिंग भी अनदर 28%, और नाइट ऑक्यूपेंसी जो है वो बिल्कुल एकदम से शार्प डिक्रीज आया, विच वॉज 15%. जी हाँ, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तक पहुंच गई थी. अब इसके पीछे जो रीजंस हैं वो यही हैं कि इट वॉज अ संडे नाइट, एंड ऑल्सो मंडे वीकडे जो स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रेडेड मंडे का असर आना शुरू हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं आपको अगर बता दूं, आज के दिन भी बुक माई शो पर मॉर्निंग एंड नाइट शोज जो है उन पे धमाल मचा हुआ है, उसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले जितने भी हमारे महानगर हैं उनकी ऑक्यूपेंसीज रिवाइज हो गई थी, तो मुंबई में 22% की 22% ही रही, दिल्ली एनसीआर में 22% से घटकर 21% हो गई, पुणे में, यहाँ पर सब जगह पर थोड़ा थोड़ा माइनस आया है क्योंकि रात की जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हो गई थी, इसके चलते जो ओवरऑल जो हर शहर की ऑक्यूपेंसी वो कम आई है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, पुणे 29.5 से अपडेट होकर 27%, बैंगलोर 17.5 से अपडेट होकर 19% हो गई, हैदराबाद 24.5 से बढ़कर 27%, अहमदाबाद 27.5 से घटकर 24%, सूरत 21% से घटकर 20%, जयपुर 24% से 22%, चंडीगढ़ 20% से 19%, भोपाल 11.5% से 15%, लखनऊ 14.5 से 15%, कानपुर 23% से बढ़कर 25%, नागपुर 21.5 से 20% पर आ गई थी ऑक्यूपेंसी. शो काउंट्स भी जो है वो पहले से अब बेहतर है, लेकिन वो वाला नंबर नहीं है 8,000, 9,000, 10,000 वाला नंबर अभी नहीं आया है, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो था वो पीक टाइम था, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा शोज थे, सबसे ज्यादा फिल्म बिजनेस कर रही थी, कलेक्शन कर रही थी. अब ये जो शो काउंट्स हैं ये हमारे तेलुगु वर्जन को भी मिलाकर हैं, तो इसी के साथ जो टोटल नंबर आया ऑफ डे नंबर 24 वाज 4.25 करोड़, एंड आफ्टर दैट जो फाइनल नंबर अब तक हो गया है दैट इज 224.47 करोड़, लगभग 225 करोड़, जो हमने कल बात की है 225 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन में है. ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं टोटल जो ओवरऑल प्रिडिक्शंस आई हैं, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो अपडेट हुई है उसके बारे में. तो 23 डेज का अभी तक नंबर आ चुका है, 23 डेज इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इज 260 करोड़, एब्सोल्यूटली फिनोमिनल. 23 डेज ओवरसीज का डेटा, 23 डेज भी नहीं बोलूंगी मैं, 12th ऑफ मई से ये रिलीज हुई थी ओवरसीज में, तो ओवरसीज का डेटा अब तक का इज 13 करोड़. जी हाँ, 13 करोड़ ओवरसीज से आ चुका है, और टोटल 23 डेज वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इज
273 करोड़, विच मीन्स अगर 23 दिन में 273 करोड़ है तो 275 करोड़ जो है ये अब तक कंप्लीट ऑलरेडी कर चुकी है, जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था. Phenomenal, phenomenal win of the movie, of the exhibitors, of the makers and of the audience. जिस ऑडियंस ने इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाया है. तो इसी के साथ अब बात करते हैं हम आज की. डे नंबर 25 कैसा जाने वाला है? देखो, ट्रेडेड मंडे है, 25वां दिन चल रहा है और इस टाइम तक जैसे कि देखा गया है जो ट्रेंड्स होते हैं वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. पूरे वीक में आप मान के चलो इस पूरे हफ्ते जो है कलेक्शन बहुत गिरी मरी आने वाली है, बहुत ही कम आने वाली है, लेकिन फिर वीकेंड्स आ जाएंगे, फिर से वीकेंड का इंतज़ार होगा. अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि अब हम लाइफ टाइम की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आदि पुरुष के रिलीज़ होने का टाइम आता जा रहा है और ऑडियंस जो है अब जो लोगों का नेक्स्ट कह सकते हैं वॉच लिस्ट में है, दैट इज़ आदि पुरुष. तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि द केरला स्टोरी का जो पूरा एक महीने का बेहतरीन रन था, अब वो अपने फाइनल स्टेज पर आ रहा है और इसके बाद तो खैर OTT पर ये आ ही जाएगी. OTT पर कैसा बिजनेस करने वाली है सब कुछ, वो भी मैं आपसे जल्द से जल्द शेयर करूंगी. मोस्ट प्रॉबली Zee5 पर ये फिल्म दिखाई जाएगी. ठीक है, तो बात करते हैं अब हम आज की. डे नंबर 25, आज की रियल टाइम नंबर एज ऑफ नाउ इज 96,10,572. The total footfall is 57,030 and the shows are 5,002 shows. और average occupancy is falling between 7-9%. ये बढ़ेगी, बहुत बड़ा change, लेकिन नहीं आएगा शाम तक. मैं आपको किसी भी गलत high hopes में, high expectations, false expectations में नहीं रखूंगी. I would say that entire week just be low key, थोड़ा सा low key होकर चलने की ज़रूरत है. Weekend का wait करेंगे और अब हम अपने lifetime की तरफ बढ़ने वाले हैं, which is 300 crores. ठीक है, बहुत 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 बढ़िया रन. तो इसी के साथ जो prediction आया है of day number 25 is 2.31 crores and if that comes in, the total number will be 226.97 crores. लगभग 227 crores का net India collection आ जाएगा आज तक. ठीक है, आज की collection आने के बाद. सो जैसे मैंने कहा, अपने आप में बहुत 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 डिसेंट नंबर, बहुत अच्छा नंबर. इस नंबर तक आते आते लोग, पता नहीं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं आ पा रहे आजकल इस नंबर तक. ये बहुत अच्छा नंबर है. तो इसी के साथ हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेक्शन बुक माई शो की. बुक माई शो पर क्या कहानी चल रही है? देखो, जैसे मैंने कहा, आज भी इतना कम प्रेडिक्शन होते हुए भी जो मॉर्निंग और इवनिंग शोज हैं उनमें धमाल मचा हुआ है. तो कहाँ कहाँ मचा हुआ है, पहले बात करेंगे हम लोग मुंबई की. पहले मैं आपको बता दूँ, बुक माई शो पे जो रेटिंग है वो 8.9 स्टार्स तक आ गई है अब और टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 207.6K वोट्स. जी हाँ, 2 लाख प्लस वोट्स जो है इस फिल्म को मिल चुके हैं बुक माई शो पे. तो मुंबई की अगर बात करते हैं तो मैक्सिस भयंदर 10 बजे का शो सुबह का हाउसफुल गया. SM5 कल्याण 7 PM वॉज अ हाउसफुल. सिनेपोलिस नवी मुंबई 9:30 AM हाउसफुल. बालाजी मूवी प्लेक्स 9:30 AM हाउसफुल. आइनॉक्स मरीन लाइन्स 9:30 AM हाउसफुल. एज आई सेड, मॉर्निंग शोज वेंट हाउसफुल. PVR पलावा 11 AM फिलिंग फास्ट. PVR कांदीवली 9:30 AM हाउसफुल. PVR कुरला 9:30 AM हाउसफुल. मुक्ता ए टू विले पार्ले 9:15 AM एंड PVR भिवंडी 9:30 AM went house full. इसके बाद दिल्ली NCR की बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है. वेव कौशाम्बी 9:30 AM was a house full. INOX गुड़गांव ड्रीम्स में 11:30 and 11:45 के शोज house full गए हैं, ये दो शोज. बाकी दिल्ली में और एक जगह है PVR, दिल्ली NCR में PVR सहारा गुड़गांव 9:40 AM was a house full. सो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इस वक्त मुंबई से आ रहा है, दिल्ली से भी उतना नहीं आ रहा. और उसके बाद अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में इस वक्त सिर्फ एक ही फिलिंग फास्ट है. ठीक है, तो वो एक है PVR पैसिफिक पुणे में 4 PM का जो शो है वो फिलिंग फास्ट है. अब आज जैसे मैंने कहा, इस पूरे हफ्ते बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. हम अपने बहुत अच्छे नंबर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और अब जो होगा वो बोनस होगा. लेट्स ऑल सेलिब्रेट ईच एंड एवरी कलेक्शन दैट इज कमिंग नाउ ऑनवर्ड्स. जो भी कलेक्शंस आएंगी, हम जो भी डिस्कशंस करने वाले हैं, वो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए ऑफ दिस मूवीज फैंटैब्युलस रन ऑन द बॉक्स ऑफिस. सो लेट्स सी हु ऑल इज विद मी ऑन दिस. शाम को शाम की कलेक्शन फाइनल, आज की प्रेडिक्शन के हिसाब से जो कलेक्शन आने वाली है वो मैं आपसे शाम की वीडियो में शेयर करूंगी. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल.